कभी हम केजरीवाल साहब जी को टीवी में देखते थे तो हमारा मन करता था साहब से फेस टू फेस मिलें। आज उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा मैम। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम एक सफाई कर्मचारी, हमें पूछता कौन है, लेकिन सामने पूछा, आज बड़ा दिल खुश हुआ इस चीज़ के बारे में। बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार ही मौका मिला है, सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो ये बोल नहीं सकती थी कि इतनी खुशी है मुझे कि कभी ज़िंदगी में किसी ने भी ऐसे कभी चाय पे ऐसे बुलाया नहीं है कि सर ने आज हमारे को यहाँ बुलाया। बहुत खुशी है हमें सर को, और हम हमेशा केजरीवाल की सपोर्ट में, जब उनके साथ इतनी विपता पड़ी थी ना, हम घर में रोने लग रहे थे, हमारा परिवार, हमें बहुत दुख हुआ था उस टाइम में कि सर के साथ। लेकिन आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर, भगवान उन्हें हमेशा वो खुशियाँ दे दें और वो और आगे बढ़े। पूरी दिल्ली क्या, पूरे हर विदेश में, हर जगह में केजरीवाल होने चाहिए, बस ये चाहती हूँ मैं। थैंक यू। हम 2010 में लगे हुए थे, 2010 में NDMC में मैं आया था, और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, 49 दिनों की सरकार, तब उन्होंने हमारे को TMR से RMR किया, और ये हमारे लिए बहुत खुशी का पल था, क्योंकि RMR होने के बाद एक रास्ता खुल जाता है पक्के होने का। और सर ने 49 दिन की सरकार में जाते जाते हमारे को RMR किया, और फिर सर ने हमसे वादा किया कि मेरी दोबारा सरकार आएगी तो हम लोग आपको पक्का करेंगे, और सर ने वो वादा पूरा किया। 2010 में वो उन्होंने हमें पक्का करके फाइल जो है MHA भेजी, और 2023 में जो है हम पक्के हो गए, और जो आज हमारा घर परिवार जो चल रहा है वो अरविंद केजरीवाल जी की देन है। अगर वो नहीं होते तो शायद हम वही 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे होते, और वो भी पता नहीं कब निकाल देते हमारे को। लेकिन अब हमारी लाइफ सिक्योर है, हमारे बच्चे सिक्योर है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो कुछ है, अब वो अरविंद केजरीवाल जी के बदौलत हो रही है। अगर वो नहीं होते तो कुछ भी नहीं हो पाता, वो तो मैम एक तरीके से हमारे लिए भगवान की तरह है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।